प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सावन के महीने में वीडियो बनाकर नॉनवेज खाते हैं, सावन में नॉनवेज का वीडियो तुष्टिकरण। बिना नाम लिए तेजस्वी के वीडियो पर पीएम मोदी का हमला, कहा भावनाओं को भड़काने के लिए बना रहे वीडियो विपक्ष की मुगलिया सोच है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर को लेकर कहा कि राम मंदिर का संघर्ष 500 साल पुराना, कांग्रेस को राम मंदिर के नाम से दिक्कत, विपक्ष ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। बीआरएस नेता के कविता की राहुल सवनी कोर्ट में पेशी, सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी है। सीबीआई ने कहा 100 करोड़ की घूस में के कविता का बड़ा रोल, दोपहर 2 बजे फिर होगी सुनवाई। कोर्ट में सीबीआई ने दी दलील और कहा कि के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक, आपको दिलाई 100 करोड़ की घूस, कविता के संपर्क में था नायक। बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी के बयान पर पलटी मीसा भारती और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बयान दिया गया था। मीसा भारती के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा लालू प्रसाद यादव का पूरा खानदान भ्रष्टाचार में डूबा, कुछ जेल में है कुछ बेल पर है, ये सब कांग्रेस की मेहरबानी। शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर हमला, कहा लोकतंत्र बचाने का बस दिया है नारा, असली मकसद बस परिवारवाद बचाना है। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर किया हमला, कहा हमारे सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी है, अरविंद केजरीवाल के झूठे आरोपों के तहत की गई गिरफ्तारी। आतिशी के केंद्र सरकार पर हमला किया, कहा चुनी हुई सरकार के खिलाफ रची जा रही साजिश, केजरीवाल के निजी सचिव को क्यों हटाया। चुनाव प्रचार के दौरान खेतों में गेहूं काटती नजर आई हेमा मालिनी, हेमा मालिनी ने महिलाओं के साथ खिंचवाई फोटो भी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। रही हैं, बल्कि सियासी विरोधियों को भी बेहद तीखे अंदाज में जवाब दे रही हैं। मंडी सीट से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही कंगना रनौत विरोधियों के निशाने पर हैं। अब कंगना ने भी अपने विरोधियों को जमकर जवाब दे दिया है। मनाली की एक जनसभा में कंगना ने उनके ऊपर लगाए गए एक एक आरोप का चुन चुन कर जवाब दिया। हाल ही में कंगना के खिलाफ बीफ खाने के आरोप लगाकर कुछ नेताओं ने उनकी छवि खराब करने की कोशिश की थी। कंगना ने इन आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया। कंगना ने पप्पू का नाम ले हिमाचल से दिल्ली तक कांग्रेस लीडरशिप की बखिया उधेड़ दी। जो कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो उनकी दुष्ट सोच है, वो नवरात्रि में भी उस दुष्ट सोच को कोई विराम नहीं दे रहे हैं। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है। जैसे मेरी बहन धनेश्वरी जी ने कहा कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौमांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौमांस खाते हुए कहाँ देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सिंस यू आर दी कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज। आपका क्या विजन है, आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? कंगना ने न केवल कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह को निशाने पर लिया, बल्कि इशारों में राहुल गांधी को भी लपेट लिया। कंगना ने राहुल के शक्ति को खत्म करने के बयान का विरोध किया और उनकी सियासी समझ पर ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन आप इससे उम्मीद क्या कर सकते हैं, जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है, जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है,
पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूँ, क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी माँ के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूँ। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूँ? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ। हमारी बड़ी बहन, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, कंगना रनौत जी, और एक कार्यक्रम में जिस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग उन्होंने किया है, शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है, खास करके हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि उनका नमन करता हूँ। आज तक इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग हिमाचल जैसी पवित्र देवभूमि में नहीं हुआ। कंगना के भाषण में अपने विरोधियों को पप्पू का नाम दिया गया। उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र का पप्पू बताते हुए कंगना ने मुंबई में खुद पर हुए अत्याचार की याद दिलाई। कंगना ने अपने घर तोड़े जाने की बात करते हुए लोगों के सामने इमोशनल कार्ड भी खेल दिया। कंगना ने कहा कि हिमाचल की बेटी न झुकी है न झुकेगी। मेरे बाप पप्पू मेरी जिंदगी में आए, उद्धव ठाकरे जिन्होंने मुझे फिर डराया, फिर धमकाया, यहाँ तक कि उन्होंने मेरा घर तक तोड़ दिया, लेकिन आज वो भी ये तमाशा देख रहे हैं कि उनके जैसे उनकी जाति के कितने बिगड़े हुए बिगड़ैल मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इस मंच पे हूँ और फिर भी मेरे पास पूरा जनता का साथ है। और ये बिना मतलब की बातें, खाना पीना क्या है इसके बारे में फोकस ना रखें, ये हिमाचल प्रदेश की भविष्य के लिए अच्छा रहेगा। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मंच पर इसी तरीके से जो है शब्दावली का प्रयोग करते रहें, आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिल्म अभिनेत्री कंगना ने हिमाचल के लोगों के सामने फिल्म इंडस्ट्री में फैले वंशवाद और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का खुलासा किया। आपको बता दें कि कंगना की एक पहचान बॉलीवुड के घटिया कंटेंट, वंशवाद और शोषण के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर भी रखी है। कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री के पप्पुओं से मिली धमकियों का जिक्र किया और कहा कि उनका करियर खत्म करने की कोशिश की गई। हालांकि कांग्रेस ने मंडी चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठाने पर कंगना के प्रचार पर ही सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता उनसे पूछ रहे हैं, आखिर मंडी के विकास के लिए उनका ब्लूप्रिंट क्या है? ऐसे राजा बेटा मुझे बहुत मिले हैं, यही नहीं मिले, हर जगह मिले हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी इन राजा बेटाओं को मुझसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वहां पे महिलाओं का शोषण करने का प्रचलन था, लड़कियों को इस्तेमाल किया जाता था, चुप करा के भगा दिया जाता था। इसके खिलाफ जब मैंने आवाज उठाई तो यही वंशवादी, यही परिवारवादी कुछ पप्पू जो शराब और ड्रग्स के नशे में धुत रहते हैं, इन्होंने मुझे डराया, मुझे धमकाया, यहां तक कि मुझे नोटिस भेजा और मुझे जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, इन्होंने मुझे खत्म नहीं किया, मैंने अपनी फिल्मों से हीरो ही खत्म कर दिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जिस मनाली के मंच पर थी, अगर उन्होंने इस शब्दावली के बजाय अगर मनाली के मुद्दों की बात करी होती, आपको याद है कि कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीनों पहले सदी की सबसे बड़ी आपदा मनाली में आई, हिमाचल में आई, मंडी में आई, और आप कहती हैं कि मेरा घर मनाली के अंदर है, मैं मनाली वासी हूं, मगर क्या आप आपदा के समय में एक दिन भी मनाली में गई? मनाली में कांग्रेस और बीजेपी में सीधा चुनावी मुकाबला होना है। कंगना ने दावा किया कि उनकी छवि खराब करने की जितनी भी कोशिश की जाए, जनता का प्यार उन्हें मिलता रहेगा, जबकि कांग्रेस ने उनके चुनावी कैंपेन पर ही सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का आरोप है कि कंगना इधर उधर की बात कर चुनावी मुद्दों को डिरेल करने की कोशिश कर रही हैं। आज मैं ये सब पप्पुओं को जो भी है, जो मुझे धमका रहे हैं, मैं चुनौती देती हूँ कि ये तुम्हारे बाप दादाओं की रियासत नहीं है जो तुम मुझे डरा के धमका के यहाँ से बाहर भेज दोगे। ये नरेंद्र मोदी का नया भारत है। यहाँ एक छोटा सा गरीब माँ का बच्चा जो चाय बेचता था रेलवे स्टेशन पर, आज वो इस धरती का, इस देश का सर्वोच्च नायक है। ये बिना मतलब की बातें, जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है।